राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम माननीय पायलट साहब दोनों लगातार पहले नामांकन की प्रक्रिया 25 लोकसभा क्षेत्र में वो गए, उन्होंने नामांकन भरवाया, रैलियां की, सभा की और उसके बाद में नामांकन रैलियों के बाद में लगातार किसी न किसी जगह अभी पायलट साहब पिछले कई दिनों से आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में गए हैं, तो पिछले दो दिन से माननीय अशोक जी गहलोत वो राजस्थान के दौरे पे हैं, उनके साथ दूसरे नेता जो लोकल नेता हैं राजस्थान के हमारे मंत्री हैं वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और हमारा मिशन 25 है उसको पूरा करने में हम सब जुटे हुए हैं। राजस्थान के अंदर देखिए कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश में रात को मैं 6 बजे बाद लाडनू रहूँगा, कल मैं नागौर और खेमसर की तरफ जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि नागौर लोकसभा में चूँकि मैं 2 बार यहाँ का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ, लोगों से बात होती है, लोगों की भावनाएं हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर के लोग अब की बात ज्योति मिर्धा को वोट दे रहे हैं। पहले दफा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, चुनाव हमारे जीते हुए 8 MLA प्रत्याशी वो तो लगे हुए हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब की बार एकजुट होकर के ज्योति मिर्धा जी को जिताने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आमजन में यह है कि ज्योति मिर्धा एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पढ़े लिखी है, सुसंस्कृत वाली है, अच्छी बोलती है, काम करने में माहिर है। दूसरी बात, जनता के अंदर उनका 5 साल का व्यवहार, 5 साल का काम लोगों ने देखा, उनका रुझान पार्टी के साथ साथ आमजन का रुझान है और मुझे पूरा भरोसा है कि ज्योति जी बहुत अच्छे मार्जिन से नागौर लोकसभा से जीत के जाएंगे। एक सर मेरा ये सवाल है, जिस प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं उसका मैं नाम ही बता देता हूँ, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल और वो एक नई पार्टी बनी है गुजरात में, उस पार्टी को मिली है बोतल और वो बोतल के चिन्ह से वो चुनाव, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो उनके चुनाव लड़ रहे हैं। उसने खुद ने कहा है कि मेरा कोई कटनेप नहीं हुआ, आज के अखबारों में उसने कहा कि मेरा कोई कटनेप, ये झूठ बोल रहे हैं कहने वाले, मेरे को किसी कांग्रेसी ने न तो अपहरण किया है न मुझे गायब किया है, मैं स्वयं मैदान में हूँ और मुझे आकर के देख लो।